पद्म विभूषण शारदा सिन्हा की मौत की झूठी खबर को सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर उनका परिवार आहत है। इस झूठी खबर के खिलाफ उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है। वहीं शारदा सिन्हा ने भी इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। शारदा सिन्हा ने ऐसा करने वालों पर निशाना साधते हुए बिहार सरकार से पूछा है, सरकार ऐसी अफवाह फैलाने वालों की पहचान नहीं कर सकती है क्या? इस बात को शारदा सिन्हा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट के जरिए उठाया है। आपको बता दें, बीते 3 सालों में तीसरी बार सोशल मीडिया पर शारदा सिन्हा की मौत की झूठी खबर सामने आई है। इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए शारदा सिन्हा ने फेसबुक पर लिखा है, हर वर्ष मेरे निधन की अफवाह फैलाई जाती है, इससे आंतरिक रूप से आहत हूँ। 2020 के बाद ये तीसरी बार हो रहा है। क्या बिहार सरकार के साइबर क्राइम की शाखा इस तरह की घटना की शिनाख्त नहीं कर सकती है? शारदा सिन्हा ने कहा कि वो जिंदा है, चाहे तो राजेंद्र नगर आवास पर आकर उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो मरने के बाद चली जाऊंगी और नहीं देख पाऊंगी कि लोग मेरे नहीं रहने पर कैसे दुखी होते हैं। तो जिंदा रहते ही लोग अपनी मौत के बाद की स्थिति को दिखा रहे हैं। साल 2020 में कोरोना काल में इंस्पेक्टर शारदा सिन्हा का निधन हुआ था। उस वक्त इस सूचना के साथ फोटो शारदा सिन्हा की शेयर कर दी गई थी। इसके बाद 5 सितंबर 2022 को भी उनके निधन की झूठी खबर सामने आई थी। इस बार मुंबई में 60 से 70 की दशक की मशहूर पार्श्व गायिका शारदा राजन का 86 साल की उम्र में 14 जून को निधन हुआ था। इसकी जानकारी को सोशल मीडिया पर शारदा सिन्हा की तस्वीर लगाकर पोस्ट कर दिया गया था। वहीं इस झूठी खबर से शारदा सिन्हा का पूरा परिवार न केवल परेशान है बल्कि बेहद आहत है।